कोटा में ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार घोषित होने पर भाजपा ने हर्ष व्यक्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। कोटा एनडीए गठबंधन द्वारा माननीय ओम बिरला के लोकसभा उम्मीदवार घोषित होने पर जीएमए सभागार के बाहर मेन रोड पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी एवं जिला अध्यक्ष राकेश जैन के सानिध्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की एवं कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कर हर्ष व्यक्त किया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी एवं जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए दोबारा ओम बिरला को उम्मीदवार घोषित किया। इस खुशखबरी से भाजपा कार्यकर्ताओं में अपार खुशी का माहौल है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रेरित करते हैं। ओम बिरला सभी के सुख दुख के साथी रहे, हर व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। आमजन का अपार आशीर्वाद ही ओम बिरला तीसरी बार सांसद का चुनाव जीते तथा दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पिछली बार के कार्यकाल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार सहित अनेकों सौगातों को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र को दिलाई है। जनता की आशाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी कार्य किए होंगे वे निश्चित ही इस कार्यकाल में उनकी सौगातें मिलेगी। देखिए एनडीए के द्वारा पूरे देश के यशस्वी और लोकप्रिय जननायक जन को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे हाड़ौती और राजस्थान इतनी बड़ी खुशी का इजहार आम जनता, आम कार्यकर्ता, पूरे किसान कर रहे हैं। और जब कल मतदान के बाद जब वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ विराजेंगे, एक इतिहास बन के रह जाएंगे। और आज मुंह मीठा कराने के लिए पूरे कार्यकर्ता में जो खुशी है उधर जब इजहार हम सब मिलकर कर रहे हैं। और हमारी कई उम्मीदें हैं हाड़ौती के प्रति, राजस्थान के प्रति। उसमें एक बार वो जब लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, कई बहुत सारी सौगातें जो हमारी अभी अधूरी रह गई है वो पूरी होगी। विपक्ष भी कैंडिडेट उधर जाओ उधर। देखिए विपक्ष का काम अपना कैंडिडेट उतारने का, वो उतार रहे हैं, उनका काम है। लेकिन हम बहुमत के बहुत अधिक मतों से जीत करके हम लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं। सबके बीच में रहने वाले हमारे सदैव सुख दुख के साथी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के किसी भी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद चुने गए ओम जी बिरला को एनडीए द्वारा दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। और ये क्षण हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुशी के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। और निश्चित ही पिछली बार ओम जी बिरला ने अपने कार्यकाल में रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार का मामला हो, दिल्ली मुंबई रोड का मामला हो, ऐसे अनेकों कार्य की सौगातें कोटा बूंदी को दी है। और इस बार जो भी कार्य पिछली बार बाकी रह गए थे, निश्चित ही वो सब आशाएं और अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता की पूरी होगी। और इस बार निश्चित ही ओम जी बिरला का जो कार्यकाल रहेगा वो अनुपम रहेगा। ओम जी बिरला द्वारा पिछली बार जो उनके कार्यकाल में संसद का निर्माण हुआ उसमें मितव्ययता का परिचय दिया, संसद का संचालन जो हुआ उसमें मितव्ययता का परिचय दिया गया। निश्चित ही इस बार भी कई सारी नई सौगातें भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को दी गई।